शिक्षा कहता है 100 बातों की एक बात, बताओ अब करना क्या है। सुनना जरा क्या कहता है ये, ठीक है जी, ये सुना जरा। होस्ट हैज बीन ब्लॉक्ड यू, अब एक बात बताइए आप मुझे क्या कहते हैं। मैं आपको क्या कहता हूँ, मतलब अभी, अरे मान लीजिए वो छोटका भैया है आपके ना नास्तिक जी, तो मैं कौन हूँ? मैं आपको बड़ा भाई कहता था मेरे भाई। बड़ा भाई कहता था नास्तिक, बड़ा भाई छोटा भाई है नास्तिक, छोटा भाई है और सनातनी बड़ा भाई था। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। हट बड़े भैया छोटे भैया, आगे। मैं आपको बड़ा भाई कहता था मेरे भाई। हाँ बड़ा भाई और मानता भी था। हाँ ठीक है, बहुत धन्यवाद। अब एक बात बताइए, परसों की तो बात जो थी वो थी, वहीं चली गई, लेकिन जब कल आपके छोटे भाई ने जो स्ट्रीम शेड्यूल की और कल की स्ट्रीम में जो उन्होंने गाली गलौज की, आप बड़े लास्ट में वहां पर जाकर के स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ये सब कार्य तुम लोग मत करो, लेकिन जब स्ट्रीम ऑलरेडी सुनियोजित थी और आप लोग, देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर लोग ही लिख रहे हैं कि बेशक आप डिस्कॉर्ड लीजिए ने छोड़ दिया हो या रहे हो, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप लोग अटैचमेंट में तो हो, मैंने कल ये भी देखा उस दिन लेजी जी जब यहाँ आए तो। ड्रामा क्या कर रहा है ये सुनना, ये पॉइंट क्या है? सनातन समीक्षा पॉइंट रखता है कि लेजी गालियों वाली स्ट्रीम कर रहा है वो तो तुम्हारा टीम का मेंबर है, और पिछवाड़ा डॉज पता है क्या करता है? पिछवाड़ा डॉज ये करता है कि वो तो मेरे डिस्कॉर्ड के अंदर ही नहीं है। कैसा दोगला चालबाज आदमी है, उसने सवाल किया है, संपर्क तो है ना, पर्सनल में रापता तो है ना, कॉन्टेक्ट तो है ना, उसको कॉल नहीं कर सकता था क्या कि भाई ना कर ना कर यार, क्या कर रहा है, हरामपंथी कर रहा है? नहीं, क्यों? क्योंकि पार्ट ऑफ द प्लान, हीटेड पिछवाड़े का पार्ट ऑफ द प्लान था ये कि सनातन समीक्षा को गालियां दी जाएं, इसको नीचे दिखाया जाए, इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और सारी मेहनत उसकी जाया की जाए। जी आगे। तो आप भी लास्ट में यहाँ पर आए थे, मेरे यहाँ भी आए थे, मेरे यहाँ के बाद से फिर जब कल लेजी दम भर गाली दे लिया पूरा, माँ बहन बेटी सब दे दिया, आपका तथा कथित छोटा भाई आपके तथा कथित बड़े भाई की आपके सामने माँ बहन बेटी की गाली दे रहा है और आप वहां पर धृतराष्ट्र की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जहाँ हमारा संपर्क सूत्र था उससे, मैं पर्सनल डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्यों हम लोग एक महीने से बात नहीं कर रहे हैं, मैं उसके। अब देखना आपने, इसने डॉज करने की कोशिश की ना जब, तो सनातन समीक्षा ने पकड़ लिया, तो अब इसको कवर करने लगा है। मानेगा दोस्तों दर्शकों, हेटेड पिछवाड़ा मानेगा कि लेजी ने इसी की परमिशन से वो स्ट्रीम की थी, मानेगा। दोबारा सुने पीछे थोड़ा सा जी, डिटेल्स में नहीं जाऊंगा कि क्यों हम लोग एक महीने से बात नहीं कर रहे हैं, मैं उसके विषय में नहीं, नहीं बात मतलब करूंगा। नहीं है, मुझे बस इतना बता दीजिए ना कि जब मैं वही बता रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, वही बता रहा हूँ। जब मुझको पता चला कि लेजी उस बात को लेके गुस्सा है, स्ट्रीम के लास्ट में आपको पता चला पूरे, सुनिए तो, देखा जबरदस्त सनातन समीक्षा, वेल डन, दबोच के रखा है। ये जो लोग गौर से नहीं सुन रहे हैं ना, उनको नहीं समझ आएगी कि क्या चल रहा है। सनातन समीक्षा जबरदस्त दबोच के रखा है इसने, ठीक है। दोबारा पीछे करें, के गुस्सा है, स्ट्रीम के लास्ट में आपको पता चला पूरे, सुनिए तो महोदय, सुनिए तो, पकड़ा गया। ये चीज मैं आपको मैसेज अगर आप कहें तो दिखाऊं मैं आपको, लेकिन मैंने ये कहा था कि भाई तू गुस्सा, सुने जरा, किसने करवाई है स्ट्रीम? मैं तेरे को स्ट्रीम करने से नहीं रोक रहा, लेकिन इसको मैच्योरली हैंडल करना। जब मुझ जी 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 मैच्योरली को मिला था, जब मैंने इस लेजी की स्ट्रीम देखी कि लेजी किस वजह से गुस्सा है, तो पूरी तरीके से उसके ऊपर भी गुस्सा निकालना सही नहीं था। लो जी, डिफेंड कर दिया साथ ही, लेजी की गालियों को साथ ही डिफेंड कर दिया, ये कहकर
कि जब मैंने देखा कि लेजी आपको गाली क्यों दे रहा है, तो मुझे लगा कि पूरी तरीके से लेजी का कसूर भी नहीं है, आपका कसूर भी है। लो, चट भी मेरी और पट भी मेरा। मैंने आपको बताया था, पिछवाड़ा दो दासियों के बीच में जब तक लड़ता इस तरह रहेगा, तमाशे करता रहेगा, इसको एक पक्ष अपना संभालना होगा। ये गलत तरीका है पिछवाड़े का कि इस्लाम की नफरत के अंदर सबको ही साथ लेकर चल रहा है और बेड़ा गर्क करवा दिया है। इससे बेहतर तो सनातन समीक्षा है, कम से कम उसको क्लियर तो है ना माइंड के करना क्या है। गलती दोनों जन की तरफ से थी। हम मेरी गलती बता दीजिए, मेरी गलती बता दीजिए भैया। भैया मान लीजिए, देख लीजिए, मैं उसको बता रहा हूँ ऑलरेडी, वो सारे चैनल पे जाता है, वो एथियस्ट है, वो उसके अपने प्रश्न है। मैं डॉज कर गया, सवाल को डॉज कर गया है, दोबारा सुने। गलती बता दीजिए, मेरी गलती बता दीजिए भैया। भैया मान लीजिए, देख लीजिए, मैं उसको बता रहा हूँ ऑलरेडी, वो सारे चैनल पे जाता है, वो एथियस्ट है, वो उसके अपने प्रश्न है। मैं एथियस्ट था, मेरे अपने प्रश्न थे, मैं जाके पूछता था, मुझे उत्तर मिला, मुझे आर्य समाज ने उत्तर दिया, मुझे वेदांत ने उत्तर दिया, मैं आज की डेट में हिंदू हूँ। लो जी, कहता है मुझे आर्य समाज ने उत्तर दिया, वेदांत ने उत्तर दिया, मैं आज की डेट के अंदर हिंदू हूँ। इस पॉइंट को नोट कर लेना, आगे जाकर जूते पड़ने हैं इस पर। वो पूछता है और वो जो सही तरीके से अपना प्रश्न उठा के लेके आया है उसे उत्तर। लो जी, सही तरीके से, ये खबीस का बच्चा, हीटेड पिछवाड़ा, ये कह रहा था कि मैंने स्ट्रीम देखी, मैंने आपको लेजी की वो सारी बातें सुनाई हैं जिसमें वो कह रहा है कि मैं तो गया ही ट्रॉल करने था। जब वो स्ट्रीम नहीं तूने सुनी, तूने सिर्फ सनातन समीक्षा की गलती सुनी, तूने ये नहीं सुना कि वो अपने मुंह से बक रहा है कि वो ट्रॉल करने गया था सनातन समीक्षा के साथ, मजाक करने गया था। अभी भी तू बक रहा है कि वो सीरियस सवाल करने आया था। ये तस्वीर देना चाह रहा है कि सनातन समीक्षा के पास प्रश्न का उत्तर नहीं था, दिया जाना चाहिए था, उसे मां बहन की गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। मैं लो जी, आरोप लगा दिया, आरोप लगा दिया कि सनातन समीक्षा ने मां बहन की गाली दी, लेके आया है, उसे उत्तर दिया जाना चाहिए था, उसे मां बहन की गाली नहीं दी जानी चाहिए थी। मैंने मां बहन की गाली उस स्ट्रीम में दी है। भैया ये नहीं बोला जाना चाहिए कि तुम्हारे बाप ने तुमको गलती से पैदा कर दिया। आपने बोला, अभी आप खुद नैरेटिव सेट कर रहे हो कि मैंने अपने स्ट्रीम में उसको मां बहन की गाली दी। अभी यहाँ पर ओम जी बैठे हुए हैं, आपने वो वीडियो चला दूंगा। बताइए जो वीडियो चला दूंगा, आप उसमें वो मत करिए जी। बी आर जी बताइए, मैंने यहाँ पर कहा उनकी माँ बहन को गाली दी है। अच्छा, ये वीडियो इसने चलाई है, वो मैंने कट कर दिया सारी, क्योंकि हम पहले सुन चुके हुए हैं। एक भी गाली नहीं दी सनातन समीक्षा ने, एक भी, जिसको गाली बोलते हो ये कहना कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें गलती से कर, वो खुद बोल रहा है फर्जी माता पिता तो खुद बनाया, एक भी गाली नहीं दी। और ब्रह्म राक्षस ऐसा पक्षपाती आदमी है, ऐसा ये मूर्ख आदमी है कि इसने अपनी पार्टी के बंदे को ठीक समझने के लिए सनातन समीक्षा पर आरोप लगा दिया कि उसने गाली दी। बताए भैया, माँ बहन देंगे, बाप भेज देंगे, वो क्योंकि उसने जो हरकत की थी, आप उसको उसको लेकर जैसे होती है, आप माँ, आप अपने करने के लिए, आप अपने स्ट्रीम को करने के लिए, यानी कि तर्क को करने के लिए आप आएंगे और फर्जी, आप एक चीज बताइए, आप सनातन शास्त्रों को मानते या नहीं मानते, बस इतना बता दीजिए, यस या नो। लो जी, सनातन समीक्षा फिर गिच्ची से पकड़ने लगा है पिछवाड़े को। सुने, उसने कहा है, क्या तुम सनातन धर्म को मानते भी हो या नहीं मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। हमारे न्याय शास्त्र में तर्क के लिए क्या कहा गया है, तर्क कैसा होता है? ये कुतर्क ही है एक प्रकार से। खुद मान रहा है कि कुतर्क कर रहे हैं हम, पिछवाड़ा खुद मान रहा है कि हम कुतर्क कर रहे हैं, फिर डटा हुआ है, छल है। बताइए हमारे न्याय शास्त्र में तर्क के लिए क्या कहा गया है, आप न्याय शास्त्र में वाद की परिभाषा क्या बताई गई है, हमारे न्याय शास्त्र में वाद की परिभाषा क्या बताई गई है, किसको वाद कहा गया है? वो वाद करने आए थे ना, वो वाद करने आए थे। किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? अरे वो जिस कॉन्टेक्स्ट में आए थे मैं उसी में पूछ रहा हूँ, हमारे यहाँ वाद करने के लिए क्या नियम निर्धारित किए गए हैं? हमारे नियम के अनुसार से भी है ना, मैं पढ़ देता हूँ। हमारे यहाँ न्याय शास्त्र में वाद की परिभाषा के रूप में ये कहा गया कि खंडन मंडन के लिए तर्क और प्रमाण का ही आश्रय लिया जाता है, छल का नहीं। आपका छोटा भाई मेरे साथ पोल पट्टी खुल गई पोल पट्टी। न्याय शास्त्र में तर्क का जो एक्सप्लेन किया गया, उस पर जो उसका वर्णन मिलता है तर्क का, उसमें लिखा है कि तर्क परमाणुओं के आधार पर होगा, छल और कपट पर नहीं, धोखे पर नहीं। पोल खोल कर रख दी, ये है तुम्हारा सनातन धर्म पिछवाड़ा टीम। छल कर रहा था
और आप उसको अभी भी जस्टिफाई कर रहे हैं, मुझे दोष दे रहे हैं कि मैंने आपके तथाकथित छोटे भाई को माँ बहन की गाली दी है, जबकि मैंने गाली नहीं दी, मैंने यही कहा कि किसी व्यक्ति को तर्क के लिए अपनी माँ बाप बहन को बेचने का कोई अधिकार नहीं है, ये गाली नहीं होती है। कैसे आपने कह दिया कि मैंने गाली दी है? बिहार भाई, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखता यार, इतने मतलब स्पष्ट वक्ता और इतने दूरदर्शी होने के बाद भी आप ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट कर रहे हैं? अवसर दें। हाँ यार, जब न्याय है आपको, बड़े न्यायप्रिय भैया, अवसर दें, चीज को लेके पूछेगा तो मैं अपने माँ बाप को बोल दूंगा मेरे पापा मम्मी मर गए, ये बोल दूंगा मैं? सर एक सेकंड, सर एक सेकंड, कितना जस्टिफाई करूं यार, मेरे को ये आ रहा है ब्रह्मराक्षस भाई, इतनी उसकी उसके लिए आप बिल्कुल सनातन की जो शास्त्रीय मर्यादा है उसको भी तोड़ देंगे। समझ आई अब? इस्लाम की नफरत में सनातन की शास्त्रीय मर्यादा जो है उसका उल्लंघन भी कर देंगे क्या? मैं चाहूंगा कि धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को ईमानदार होना पड़ेगा। वेरी गुड भूप भाई, वेरी गुड, बिल्कुल धर्म के विषय पर जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनको ईमानदार ही होना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। और अपनी विचारधारा को स्पष्ट रूप से रखना पड़ेगा, जो लोग हमारी विचारधारा के विपरीत हैं उनको जो है बहिष्कृत करना पड़ेगा, सबको साथ में लेके नहीं चल सकते। जो विचारधारा के विपरीत है उनको अपन अपने चैनल के जो मेंबर लिस्ट है उसमें रखें तो वो तो बिल्कुल चांटा, पिछवाड़े के पिछवाड़े पर चांटा, स्पैम निकल गई। इसने क्या किया हुआ है, अपने चैनल की मेंबर लिस्ट के अंदर नास्तिकों के चैनल डाले हुए हैं मगर सनातनी लोगों से भिड़ रहा है आकर, ये पोल खोल रहे हैं वो, ये सही नहीं है, ये तो बहुत गलत है। देखिए मैं गया, मुझे आपके किसने ब्लॉक किया पता ही नहीं, लेकिन ये कितना गलत संदेश दिया जाता है। भूप जी, भूप जी, एक बात और मैं भी बोलूंगा, जैसे जो हम लोग सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं तो अपने सनातन चैनल को ही प्रमोट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना कि आप एथलीस्ट को प्रमोट करो। यस, ये देखो ये बात, ये उसूल की बात है, मुझे इस बात में कोई दिक्कत नहीं, एक सनातनी सनातन के चैनल को प्रमोट करे, एक क्रिश्चियन क्रिश्चियन के चैनल को प्रमोट करेगा, एक मुस्लिम मुस्लिम के चैनल को प्रमोट करेगा, एक एथियस्ट एथियस्ट के चैनल को प्रमोट करेगा, एक बौद्ध बौद्ध के चैनल को प्रमोट करेगा, एक सिख सिख के चैनल को प्रमोट करेगा, एक ज्यू ज्यू के चैनल को प्रमोट करेगा, यही तो होता है, इसमें किसी को क्या कठिनाई है? हमें को आज, हमने आज तक कहा है कि जी फलां को सपोर्ट कर, यानी मिसाल के तौर पर हमने कहा हो कि जी सनातन समीक्षा जो है ये भूप के चैनल को प्रमोट कर रहा है, भाई सनातनी है सनातनी। हाँ जी 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 जी, हमें दिक्कत तब होती है कि जब सनातनी एक्स मुस्लिम के चैनल को प्रमोट करने लगे, जब सनातनी एथियस्ट के चैनल को प्रमोट करने लगे, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये है समस्या। समझ आई? आगे फिर बोलो, मैं सनातनी हूं, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है, ब्रह्मराक्षत की इस बात को मैं इसके पर विरोध करता हूं, और मैं इसको पसंद नहीं करता हूं, ये देख के तो समझना होगा। हाँ, कि गलती से पैदा कर दी है तुमको ये। तो जी यहाँ टॉपिक जाने लगा है, जो सनातन समीक्षा ने कहा था कि गलती से आपको पैदा कर दिया है, जो उसने बोला था कि मैं गलती से पैदा हो गया हूँ, उस विषय के ऊपर बोला है मैंने, यहाँ पे गलती से पैदा कर दिया है, सुन के भी अनसुना कर रहे हैं आप। अरे भाई, मैंने बोला कि मैंने सुनिए, मैंने बोला है कि आप अपने माँ बाप से मेरी बात करा दीजिए। अरे कुछ बात जी, फिर से इनको सुनाइए एक बार और, सुनाइए, पलट रहे हैं यार, पलट नहीं रहा हूँ कुशवाहा जी, ये आक्षेप ना लगा, ऐसा ढीठ जैसा मक्कार वो ऐसा मक्कार, इसका मतलब सारी टीम ही मक्कार है, पिछवाड़ा टीम मक्कार है पूरी, पलट नहीं रहा हूँ मैं, शुरुआत से वही बात कह रहा हूँ। मुरे को बोला कि मैंने पहले किस टीम में माँ बहन की गाली दी है, गाली नहीं सिद्ध कर पाए तो आप कह रहे हैं कि कुशवाहा जी आपने, और नहीं नहीं नहीं, माँ बहन की गाली बेच देना क्या है यार, अपनी माँ को अपने बाप को, और मार देना क्या है भाई अपने माँ और बाप को, भेज देना तो काम नहीं, भेज देना, भेजना यानी बात करने को भेजना,
भेजना ठीक है, मतलब थोड़ा सा समझना चाहिए ना, डबल मीनिंग बातें हर तरह से की जा सकती है भैया, मैं आपके साथ ईमानदारी से बात करने आया हूं। डबल मीनिंग बात की गई है वहां पर, वो डबल मीनिंग बात की गई है वहां पर। आपने मुझे ये कहा कि मैंने पहले ही वीडियो में उनको माँ बहन की गाली दी, ये तो गलत साबित हो गया, मैंने गाली नहीं दी है। लेकिन फिर दूसरी वीडियो में जब आपने उनको मना किया कि तुम कुछ भी ऐसा वैसा मत करना, तो जिसको आप छोटा भाई कह रहे हैं, ये सुनना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हीटेड पिछवाड़ा ने क्या पता खेला, उसने कहा हाँ मैंने इजाजत दी थी स्ट्रीम करने की, मगर मैंने कहा था मैच्योरली हैंडल करना। तो सनातन समीक्षा अब भिगो के नारियल के तेल में हीटेड पिछवाड़ा के पिछवाड़ा पर जूते मारने लगा है, इनके पिछवाड़े पर, अब देखना क्या बात बनती है। सुने जरा, उस छोटे भाई की नजर में क्या सिर्फ आपकी इतनी सी इज्जत बची है कि आपने उसको कहा कि कुछ भी अपशब्द या कुछ भी अप्रिय मत बोलना, तो आपके तथाकथित नास्तिक छोटे भाई ने आपकी मर्यादा और आपके स्वाभिमान का इतना ख्याल रखा कि पूरी डेढ़ घंटे की स्ट्रीम में मेरे को डेढ़ घंटे गाली दी उसने। यही आपकी इज्जत है जिस भाई को डिफेंड कर रहे हो, उस भाई की दृष्टि में आपकी इतनी इज्जत है जिसकी नजर में आपकी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं है, क्योंकि आपने तो कहा ना कि हमने मना किया था और उसने फिर भी गरियाया। उसकी तरफ से क्षमा मांगते हैं, वो स्ट्रीम डिलीट कर दी गई है। एक काम मैं भी करता हूँ, मैं भी दो घंटे गालियां दे लेता हूँ, फिर मैं भी स्ट्रीम माफी मांग के डिलीट कर लूंगा, कैसा लगेगा? अगर आपको उससे सुख मिले बिल्कुल कर लीजिए, लेकिन इसको खत्म करिए, ठीक है? अगर आपको उससे लगता है कि बराबरी है तो कर लीजिए और खत्म करिए। सुख यही तो, अगर मुझे यही करना होता मेरे भाई तो मैं सुबह ही नहीं कर लिया होता, कभी कर लिया होता, लेकिन मैंने आपको बुलाया ना। देखिए बी आर भाई, अगर आप लोगों के दिमाग में ये फितूर चढ़ा हुआ है कि हम एनोनिमस, सुने जरा, यही कम्युनिटी पोस्ट डाली थी सनातन समीक्षा ने और यही लाइव उसके मुंह पर मारा है उसने, सुने जरा, सो करके और किसी को भी गाली दे देंगे और कुछ भी कर लेंगे और कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, तो भाई अगर ऐसे दिमाग में है तो निकाल दीजिए। किसी की बात में कर रहा हूं, आपके भाई की ही बात कर रहा हूं, अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। आपके संज्ञान में कल वाली स्ट्रीम कराई गई है और आपके और आप उसके बाद से पहले गाली दिलवा लिए आप लोग, उसके बाद बीच में जाकर के सबसे लास्ट में स्ट्रीम पूरी देखी, आप लास्ट में गए हो वहां पर और आप फिर जाके कह रहे हो कि अरे यार ये सब नहीं करना था, ऐसे नहीं करना है, ये नहीं करना है। उसके बाद से फिर से आपने अपनी स्ट्रीम पर भी इनको बुलाया, ये आपकी स्ट्रीम पर भी गए, आप कुछ ये उल्टा पुल्टा वहां भी बोलने का प्रयास कर रहे थे, तो आप अरे रुक 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 ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो, ये सब ठीक है, ये सब सुना है मैंने, ठीक है। और आप कल जितना मेरे पर प्यार उमड़ा रहे थे ना, कल आप जितना मेरे ऊपर प्यार उमड़ा रहे थे कि बहुत मेहनत करते हैं कुशवाहा जी, फिर भी उनको जो है कोई देखने नहीं जाता, तो उनको बहुत, देखो जरा कुशवाहा को, यानी सनातन समीक्षा जो है वो कुशवाहा नाम है ना, तो सनातन समीक्षा को ताने मारता है ये पिछवाड़ा टीम जो है, ताने टोंट मारते हैं, पता है क्या टोंट क्या मारते हैं वो सनातन समीक्षा यहाँ पर रख रहा है टोंट, पता है क्या मारेंगे, यार वो इतनी मेहनत करता है फिर भी लोग उसको देखते तो है कोई नहीं है, देख तो हमें रहे हैं। यही टोंट लेजी ने अपनी स्ट्रीम के ऊपर ब्रह्म राक्षस को तुलना करते हुए सनातन समीक्षा के साथ मारा। यकीन करो सनातन समीक्षा की जूती उठाने के काबिल भी नहीं है पिछवाड़ा टीम का एक बंदा भी पिछवाड़ा टीम का, सनातन समीक्षा की जूती जो है ये पांव की चप्पल ये उठाने योग्य नहीं है, इनमें से एक भी कोई है तो मुझे बता दो, ना नॉलेज में, ना सिंसेरिटी में, ना एक्सपीरियंस में, कोई भी नहीं है, जूती उठाने के योग्य नहीं है। और बात करते हैं उसके साथ, बकवास करते हैं, तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है भाई, अगर गाली दे करके ही मुझे डिबेट अगर करनी है और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके ही डिबेट करनी है, तो कंट्रोवर्सी का परिणाम देखिए, आज मुझे 1000 लोग समथिंग देख रहे हैं। इतना गंदा आगे एक्सपोज करने वाला है ना सनातन समीक्षा इनको, इतना गंदा जो है ना इनका धंधा उसने खोला है ना, आप यकीन करें। आगे सुने जरा, पॉइंट आगे वाला है, मैंने आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है जैसे आप लोग कंट्रोवर्सी करके स्ट्रीम करते हैं। अगर सुने, जैसे आप लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट करके क्या करते हैं, कभी मुफ्ती वाजदी साहब, कभी जो है ना इस पर बात, कभी उस पर बात, कभी उसको पकड़ लिया,
कभी जनाब वो डैनल हकीका चू पर बात कर दी, ठीक है, और कभी जनाब वो अली दावा पर बात कर दी, कभी जनाब फलां को पकड़ लिया, कभी जनाब फलां को, कभी अबू जर को, यानी इस तरह कभी किस पे, कभी किस पे, कभी किस पे ड्रामेबाजी करके, इसे कहते हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करके बक बक करना। विषय कुछ भी नहीं है पास, लोगों की टांगे खींचना। हाँ सुने दोबारा, ये पोल बड़ा जबरदस्त खोला है सनातन ने। देखिए आज मुझे 1000 लोग समथिंग देख रहे हैं, मैंने आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं की है जैसे आप लोग करके, जैसे आप लोग कंट्रोवर्सी करके स्ट्रीम करते हैं। अगर मुझे इसी तरह से व्यूज छापना होता भाई तो मैं रोज एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता और रोज मेरे पर भी 1000, 1500, 500 व्यूज आते। मेरे पास फेक डिबेटर्स का कोई धंधा नहीं है। आप फेक डिबेटर्स का मेरे पास कोई धंधा नहीं है। समीक्षा भाई जिंदाबाद, छा गया गुरु, छा गया। पहले तो सनातन धर्म की छवि को थोड़ा सा डेंट करते हैं जब आप गाली गलौज करते हैं कोई भी हो, और लेजी जैसे बदतमीज लोगों को इस तरह से समर्थन करना भी सनातनी संस्कृति नहीं है। यदि आप सनातन को वास्तव में समझते हैं तो, जैसे कि आपकी एक बात मुझे और अच्छी नहीं लगी कि आपने बोला कि आर्य समाज की वजह से मैं वापस सनातन में आया, तो यदि आप, मैंने कहा था ना पूप पाई ने जूते मारे हैं भगवो के, मैंने आपको कहा था ये जुमला याद रखना जो इसने कहा कि मैं आर्य समाज ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया वेदांत ने, उसने जूते मार दिए हैं उसी चीज के ऊपर, ठीक है पूप ने, सुने जरा। तो जैसे कि आपकी एक बात मुझे और अच्छी नहीं लगी कि आपने बोला कि आर्य समाज की वजह से मैं वापस सनातन में आया, तो यदि आप आर्य समाज की विचारधारा को समझते थे तो आपको पुराणों को डिफेंड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे भी जो है आपकी कमी, इसमें दोहरा रवैया आपका समझ में आ रहा है। मैंने जबरदस्त भूप भाई ने कहा है अगर तुम आर्य समाज ने तुम्हें उत्तर दिए हैं तो पुराणा को डिफेंड और यूज क्यों कर रहे हो। राम मंदिर की बात आती है, स्कंद पुराणा में लिखा है, रामायण में लिखा है, शिव पुराण में फलां जगह पर लिखा है, फलां फलां पुराण में लिखा है। आर्य समाज कौन से पुराण को कब मानने लगे, पुराण को हैं? वो कब से मानने लगे, वो तो कहते हैं कि ये पोप की लीला है। सनातन तो कहते हैं, अपना आर्य समाजी तो कहते हैं कि पुराणा जो है ये भंगियों ने लिखे हैं, और सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद ने लिखा है कि पुराण लिखने वाले अपनी माँ के गर्भ के अंदर ही क्यों ना मर गए, ये जीवित क्यों रहे, इनको मार देना चाहिए था गला घोंट के, पेट के अंदर ही। ये है आर्य समाज पुराणों के बारे में। जिंदाबाद पूप भाई, जबरदस्त। कभी भी को आप ही की तरह है, मैंने भी कभी कंट्रोवर्सी का सहारा नहीं लिया है मेरे प्यारे भाई, डिबेट्स का चैनल है। लो जी, हीटेड डिबेट मुकाबले के अंदर निकला है, कहता है हमने भी कभी कंट्रोवर्सी का सहारा नहीं लिया, इसको जूते पड़ने लगे हैं इस बात के ऊपर, सुनना जरा। मैंने भी कभी भी को आप ही की तरह है, मैंने भी कभी कंट्रोवर्सी का सहारा नहीं लिया है मेरे प्यारे भाई, डिबेट्स का चैनल है, डिबेटर्स हैं, अब वो आ जाते हैं मस्ती करने आ जाते हैं, लेकिन हमारे चैनल पे अलाउ करता है। आपके चैनल पे ऐसा हुआ, आपने मुंह से बोला ना अभी, तो आपने अपने मुंह से बोला आपकी का नास्तिक भाई जो है वो डिबेट करने आपसे आ जाता है, कभी मुस्लिम बन जाता है, कभी क्रिश्चियन बन जाता है। जूता बिगो के जूता जी आगे, कभी कुछ बन जाता है, तो अपने भाई से डिबेट चलन तो कोई भी चला लेगा ना, वो तो स्वाभाविक। सनातन समीक्षा भाई बोलते हैं अपने लोगों को बिठाकर बकबक करने से तो कोई भी चला लेगा, यही हो रहा है। मैं सनातनी हूं, दिल पर हाथ रख कर कहो, पिछवाड़ा पिछले दिनों क्या कर रहा है, पिछले दिनों से स्ट्रीम में क्या करेगा, अली रजा खुरम भाई की तस्वीर लगाकर स्टेज पर बिठा देगा, बक 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 करेगा, आवाज हक को बिठा देगा, बक 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 करेगा, मुफ्ती साहब को बिठाएगा, आईडी लगा के लोगो लगा के बक 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 करेगा, कभी किसी को बिठाएगा, कभी किसी को बिठाएगा, खुद ही बनकर बैठ जाएंगे, बक 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 करेंगे। बेटा गलत बंदे कहते चढ़ गया, समीक्षा कहते चढ़ गया, तू तेरी ऐसी की तैसी, तू क्या है, क्रिश्चियन बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है, तो अपने भाई से डिबेट चलन तो कोई भी चला लेगा ना, वो तो स्वाभाविक अपने चैनल के लिस्ट में लगा भी देते हैं कि भाई इसको भी सब्सक्राइब करो, कंट्रोवर्सी नहीं करता। उन्होंने भिगो भिगो के लपड़ मारे हैं, को दाएं लपड़ मारा है, बाएं मारा है, पिछवाड़े पर लपड़ मारे हैं, घेर के उन्होंने मारा इसको, इसकी ठोकी है सही मंजी चौंक के अंदर डंडा दे के। बात करिएगा नीति के, डिबेट चैनल है तो प्रायोजित डिबेट से तो कोई भी चैनल चल जाता है कुशवाहा जी। अरे कुशवाहा जी, सारी की सारी डिबेट प्रायोजित थोड़े हो जाती है क्या?
कुशवाहा जी सारी की सारी डिबेटे प्राइवेट थोड़ी हो जाती है, मेरा धंधा है समीक्षा जी, कुशवाहा जी धंधा बंद हो गया धंधा। तो भाई मैंने पहले कहा था तुम्हारी लेने के लिए मुझे तुम्हें स्टेज पर लेने की आवश्यकता भी नहीं है, बोला था के पुत्रो एक मुसलमान का वचन था, तुम्हें स्टेज पर लेने की जरूरत भी नहीं है, तुम्हारी मर्जी ठोकने के लिए चौंक के अंदर आज ठोक रहा हूं अल्लाह के हुक्म से, और तुम में से कोई एक भी ऐसा नहीं है जिसको बिठा के री 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 करवाऊं मैं, तुम्हारी ऐसी की तैसी खोती के पुत्र जी। आगे बोल रहे हैं यार कुशवाहा जी, एक लास्ट बात बोलूंगा उसके बाद मैं चुप हो जाऊंगा। नास्तिक को प्रमोट करते और मैं इनके चैनल पे पहुंच जाता हूं तो मुझे ब्लॉक कर देते, ब्लॉक ये क्या है, ये क्या है, इसका जवाब होना चाहिए। ठीक है, इसका भी उत्तर दे दिया जाएगा। बाकी कुशवाहा जी इसका भी उत्तर दे दिया जाएगा अगले जन्म में। आपसे हम बस इतना कहना चाहते हैं कि ठीक है, अगर आपको हमसे कोई शिकायत रही हो तो आखिरी बार हम क्षमा मांग रहे हैं और एक अनुरोध कर रहे हैं आपसे, आपके विषय में रुक जाइए। उसने कहा ना 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 क्षमा क्षमा नहीं क्षमा क्षमा ना 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 अभी नहीं, अभी सिर्फ छैया छैया, हाँ चल छैया 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 छैया, क्षमा क्षमा अभी नहीं, क्षमा वो तेरे पायल पहनाएगा तेरे पिछवाड़े पर डंडा मारेगा उसके बाद तू क्षमा क्षमा करना, अभी छैया छैया अभी तो अभी है ना, वो कुछ अब थोड़ा देखते हैं कुछ चीजें देख। तो मैं इनके बात लो जी, यहां हो सकता है मैं आगे कभी इस चीज का जिक्र भी करूंगा कि सनातन समीक्षा ने लाइव मुंह के ऊपर इसको बोला पिछवाड़े को कि मैं तुम्हारी बात अभी नहीं सुना रहा हूं, अभी मैं तुम्हारे सिर्फ एक मेंबर की बात कर रहा हूं, तुम्हारी बहुत सी चीजें मेरे पास पड़ी हुई हैं। तो हीटेड पिछवाड़ा जो है ना वो डर गया, उसने कहा आप चले जाएंगे अगर आप गए तो मैं फिर सुना दूंगा आपकी बातें। तो पिछवाड़ा डर गया, पिछवाड़ा ने कहा ये तो काम खराब हो जाएगा, धंधा फ्लॉप हो जाएगा, मैंने तो मूर्ख बनाया हुआ था सनातनियों को कि सुपर चैट दो, और अगर सनातन समीक्षा ने, क्योंकि देखो सनातन समीक्षा के ऊपर ना तो ये आरोप लग सकता है वो मुसलमान है, ना ये लग सकता है जनाब के वो फलां है फलां, यानी किसी तरह का आरोप, क्योंकि वो तो सालों से काम कर रहा है लोग उसको जानते हैं, हो नहीं सकता था। तो पिछवाड़े को शक पड़ गया कि अगर सनातन समीक्षा ने मेरी बातें खोल दी तो सुपर चैट का बटन दबाते हुए सनातनी 5 बार सोचेगा कि मैं किस राक्षस को और अधर्मी को और पाखंडी को सुपर चैट देने जा रहा हूं, वो सोचेगा 5 बार, ये तो काम खराब हो जाएगा। तो पिछवाड़ा रुक गया फटाफट, अच्छा चले आप वो लेदी की बात कर लें फलाना कर लें, सुने आगे जरा सम्मान रखूंगा, इनका नहीं सुनाऊंगा, इनके छोटे भाई का सुना, देखा इनका नहीं सुनाऊंगा, सुने जरा देखना यहाँ से गौर से सुनना आपने वो क्या कहता है समीक्षा। रहे हैं और एक अनुरोध कर रहे हैं आपसे, आपके विषय में बिहार जी रुक जाइए, अभी तो अभी है ना वो कुछ अब थोड़ा देखते हैं कुछ चीजें देख। तो मैं इनके बात का सम्मान रखूंगा, इनका नहीं सुनाऊंगा, इनके छोटे भाई का सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, ये यहाँ से मैंने स्किप किया क्योंकि बात बड़ी लंबी थी, उसको मैंने कट करके सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा है ताकि आपको मैं ये याद रखवा सकूं कि आपने नोट करना है। ठीक है, क्या पॉइंट, उसने कहा मैं आपका सम्मान कर रहा हूं कि मैं आप वाला नहीं सुनाऊंगा आपके भाई का सुनाऊंगा, इससे पीछे वो सारी बात है जो मैं बता चुका हूं। पिछवाड़ा डर गया था, पिछवाड़ा कहता मैं चलता हूं, ठीक है क्षमा कीजिए मैं चलता हूं। उसने कहा अगर आप गए तो फिर मैं आपका सुनाऊंगा, ये बोला उसने, फिर रुका वरना जाने लगा था जी। आगे कुछ चीजें आप तक पहुंचाई गई हैं और आपसे एक और आग्रह है कि अगर कभी समय मिलेगा और कभी जरूरत महसूस होगी इस बात की तो एक बार आप उनसे बात करिएगा। ठीक है, पता क्या कह रहा है, भागने लगा ना तो क्या कह रहा है, प्राइवेट में बात कर मुझसे पब्लिक में नहीं, क्योंकि पता था इसका पोल खुलने लगा है। वही पहुंचाई गई है भैया, जो हुआ है वही पहुंचाई गई है, गलत थोड़ी पहुंचाई गई है, किसी ने घर में छाप के थोड़ी पहुंचा दिया है मुझे। तो जरूरत नहीं है अगर आप इस बात को बढ़ाना चाहते। पिछवाड़ा का पिछवाड़ा खुल गया थोड़ा बाड़ा, पिछवाड़ा कहता है जरूरत नहीं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो फिर कुछ देख लेते हैं। फिर दोबारा सुने जरा, यहां से दोबारा सुने आपने जी।
कभी जरूरत महसूस होगी इस बात की, एक बार आप उनसे बात करिएगा, ठीक है? हुआ वही पहुंचाई गई है भैया, जो हुआ है वही पहुंचाई गई है, गलत थोड़ी पहुंचाई गई है, किसी ने घर में छाप के थोड़ी पहुंचा दिया है मुझे। तो जरूरत नहीं है, अगर आप इस बात को बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप वेलकम है सर, लेकिन आप चाह रहे हैं कि मैं बढ़ा नहीं रहा हूं, बंद कर दीजिए, दिखा रहा हूं आप बंद कर दीजिए, बोल रहे बंद कर दीजिए, देख लीजिए ना।